अच्छा उनको पता हाँ जी ठीक है। कभी फूल मिले कई फैंस से मिलते हैं फूल चूल आपको? हाँ जी मिल जाते हैं। कोई आपका कोई ठरकी फैन आपके पीछे बहुत ज्यादा पड़ गया फूल चूल लेके? फूल बहुत आते हैं, बस फूल फूलों के भी एक ही होता है कि खास लुक से है तो अच्छे लगते हैं, वरना तो फूल फिर फूल ही होते हैं। बुरी चीज क्या लगती है जब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, सबसे बुरी चीज क्या लगती है आपको? स्टॉक करना, मतलब आपको रैंडमली फोन करना या टैग करना या मैसेज भेजना, या आपको सबसे बुरा क्या लगता है? मैं मैसेज देना चाहता हूँ। नहीं मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं बुरा लगता। लोग कहते हैं कि अच्छा आप रैंडमली फ़ोन उठा के कोई बच्ची बात करिए, वो सोनिया बाजी मैंने आपका यहाँ से नंबर लिया है मैं आपसे बात करूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग इतनी एफर्ट करते हैं बात करने के लिए, तो आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड? सोनिया हुसैन का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको जिसको चाहिए इससे बात कर सकते हैं, ये बिल्कुल माइंड नहीं करती, बहुत अच्छे दिल की मालिक है, मेथड एक्टर। लाला ने मेरा नंबर शेयर कर दिया टीवी पे इस तरह। लाला कर सकता है नंबर? अच्छा शायद शायद कुछ भी कर सकता है। मैं समझा मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं पूरा नंबर बता। वो मजाक नहीं करता और हम भी मजाक नहीं कर रहे, इसलिए मैं ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक। We'll be right back. See you in a bit. मेरी बात सुने, जो सुपर नेचुरल होते हैं ना वो औरत मर्द दोनों में एक ही जान होती है, तो ये तो मुझे नहीं पता। अब मैं इतना डर गई थी मैं, और वैसे भी अंधेरा था तो शक्ल नजर नहीं आती। नहीं तो आपके पाँव पकड़ लिए उसने? जी जी पाँव पकड़ा और मैंने मैंने उसको क्या क्या मैं इनको सुशी खिलाने ले जाऊंगा। ओह गॉड इनको पता है। वो तो खाती नहीं। खाती जी बहुत शौक। बहुत शौक से खाती। ये आपको पता है इनके बारे में? आपको क्या क्या पता है इनके बारे में? आपको नहीं पता कि मुझे क्या क्या पता है। वेलकम बैक The Shoaib Akhtar Show 2.0 powered by Himani. Himani का मालिक हमारे पास बैठा हुआ है, कहीं जाने नहीं दे सकते वसीम बदामी और सोनिया हुसैन जी। अब हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, Himani का क्वाड जोन। क्वाड जोन में क्या होता है? यहां पे हम कुछ नहीं करते, हम यहां बैठ जाते हैं आराम से। हमारे पास ये बॉल पड़ा है मैजिक बॉल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे सवाल पूछती है, और हमारे गेस्ट बिल्कुल बनफ्स नफीस, बिल्कुल पाकीजा और साफ सुथरा और ऑनेस्ट आंसर देंगे। सवाल वो करेंगे, जवाब आप देंगे और मैं बस सुनूंगा। आइए पहले सवाल पूछा जाए सोनिया हुसैन से। वो प्रोडक्शन जो पेमेंट्स के मामले में बहुत डिले करती है जी, बताइए कौन है वो? कौन नहीं है वो? कौन नहीं है? सारे ही हैं। नहीं वैसे शुरू में होता था थोड़े पेमेंट्स के मसले, बट आई डोंट थिंक अब इतने ज्यादा मसले। उनको पता है कि आप पैसे नहीं देंगे तो काम ही करना बंद कर देंगे, तो अब नहीं इतना मसला होता। पेमेंट डिले होती कि नहीं? जी रिसेंटली एक आध प्रोजेक्ट में हुई थी लेकिन अच्छा अच्छा वो हमने वो पूरे पाकिस्तान में बता, बस नहीं जरूरत नहीं बता दो क्या पता है तो फिर क्या मतलब। लेकिन मैं तो मीडिया से नहीं, मुझे नहीं पता ना, मुझे बताना क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस वो बस टाइम पे नहीं आई थी लेकिन फिर आ गई थी। फिर आ गई थी आप ना आप ताल्लुकात कैसे हैं? अब ताल्लुकात बस ताल्लुकात का क्या है, सही है हो जाते हैं अच्छे। तो बटन टच हो गया? जी बटन टच हो गया। बटन टच हो गया। AI का अगला सवाल वसीम बदामी से किया जाए जी। वो कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके आने से शो की रेटिंग आती है? एनी डे शेख रशीद अहमद। एक्चुअली अभी तो नहीं है, बहुत दिनों से गायब है वो। तीन चीजें जो शेख रशीद साहब में हैं जिसको से रेटिंग आती है वो क्या है? अच्छा ओके, एक तो ये कि उनकी प्रेडिक्शंस इररिस्पेक्टिव कि वो सही हों गलत हों, लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस कैसे लोग देखते हैं। ओके, उनका बातों का फ्लो बहुत अच्छा होता है, यू नो। और दूसरा है कि ही हैज़ दी आर्ट कि किसी बड़ी सिंपल सी बात को भी ना बड़ी अच्छी स्टोरी और वो कर करा के उसको बेचना आता है उनको। अच्छा ये पिंडी वालों की खासियत है। ये है भाई जी। अच्छा वो भी पिंडी से? हाँ ऑफ यार पिंडी वाले सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। ओह यार अच्छा। हाँ आप क्या करके क्या नॉर्मल क्या के तो देखो क्या देखिए नॉर्मल क्या के तो देखो उनको। हाँ आप नहीं कह सकते स्पेशली आजकल। अच्छा नॉर्मल नहीं निकलता नहीं जबरदस्त। एआई अगला सवाल करिए सोनिया हुसैन जी से। क्या आपका कभी कोई सुपरनैचुरल इनकाउंटर हुआ है? अगर नहीं और हो जाए तो क्या करेंगी? जी बिल्कुल हुआ है। सुपरनैचुरल इनकाउंटर? जी जी क्या
मतलब एज इन मैंने देखा नहीं बट नहीं इंकाउंटर तो हुआ है. मैंने आई थिंक रिसेंटली कहीं बताया भी था इस बारे में कि वो बड़ी जोर से मेरे ऐसे लेग पुल किया है और मैं कहती हूँ छोड़ो छोड़ो. किसने? पता नहीं शुएब कौन था है सोते सोते आया और मेरे और आपने बकायदा डायलॉग आपने कहा छोड़ो छोड़ो जी जी फिर छोड़ा उसने जी मतलब ऑब्वियसली मतलब यानी फौरन छोड़ दिया. अच्छा चल थोड़ा इसको थोड़ा बेहतर अंदाज से बयान करो. आप ना मुझे ये बताओ कि तुम अपने घर पे थी. नहीं अपने घर पे थी मैं लाहौर में थी. तो लाहौर में हुआ किसी हवेली में थी मैं वहाँ पर ये हुआ था और उसने कहा मैंने कहा छोड़ो छोड़ो तो नहीं छोड़ा. हाँ ये जानना चाह रहा था मैं. अच्छा अच्छा वसीम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे. वसीम का सवाल है मेरा नहीं. नहीं मैंने पूछ मैं जवाब मिल गया. उन्होंने नहीं छोड़ा ना उसने. नहीं नहीं फौरन तो नहीं छोड़ा. वसीम मेरा सवाल तो कर रहे हैं. आप ना करें ना आप होस्ट कर लें. मेरे पे रख के ना आप होस्ट कर लें. आपको बिठा दें. नहीं नहीं मुझे मिल गया जवाब. वसीम ये जानना चाहते हैं वो मर था और हाथ से क्या लगा. आप मेरी बात सुने जो सुपर नेचुरल होते हैं ना वो औरत मर्द दोनों में एक ही जान होती है. तो ये तो मुझे नहीं पता. अब मैं इतना डर गई थी मैं और वैसे भी अंधेरा था तो शक्ल नजर नहीं आती. नहीं तो आपके पाँव पकड़ लिए उसने. जी जी पाँव पकड़ा और मैंने मैंने उसको कहा क्या क्या था उसको. ये हॉरर था कॉमेडी था क्या हो रहा था. हमें भी तो पता लगा. ओह माय गॉड मेरी हंसी नहीं रुकेगी. नहीं रुकेगी. वो भी देख रहा होगा शायद. मेरी बात सुने जिनका नाम नहीं लेते मुझे किसी. उस दिन हम जिनका नाम ले रहे थे एक्चुअली हम जिक्र कर रहे थे रात को. अच्छा. और ये उसी दिन की बात है जैसे हुआ था. तो किसी ने मुझे ओ जिन क्या क्या बोलो. बेसिकली जब आप जिक्र करते हैं तो वो समझते हम मेहमान हैं. प्लीज जो मुझे बहुत डर लगता है. अच्छा अच्छा सॉरी. तो आएगा आज रात में इतना जिक्र किया. अच्छा वैसे अब अच्छा अगर जिन जिन थोड़ा बादामी कलर का हो. सॉरी 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 मैं डाय बैट मार. नहीं वो भी तो क्या हो हैं. तुम भी पैर पकड़ना चाहते हो. नहीं जिनकी मर्जी है ना जिन तो भी पैर पकड़ना चाहते हो. नहीं नहीं. अच्छा फिर क्या हुआ. तो फिर कुछ नहीं फिर मैंने कहा छोड़ो छोड़ो तो वो उसे छोड़ा नहीं. तो फिर मैंने दूसरे पाँव से उसको ठुड्डा मारा. उसे धक्का दिया. और जब मैं धक्का दिया तो मैं जैसे पीछे की तरफ गई तो मैं बेड से नीचे गिर गई. तो शुक्र है कि मेरे साथ मेरी बहन सो रही थी. तो उसने कहा कि ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. तो उसे वो टॉर्च लेकर आई. मुझे मैं उसमें समझी कि वही है जो जिसने मेरा पाँव पकड़ा है. तो उसने फिर अपने फेस पे टॉर्च की कि ओह नहीं मैं सनो हूँ दिखाने लगी. तो फिर मेरी जान में जा रही. फिर हम लोग इतनी मुश्किल से वहाँ से भागे और पूरी हवेली में लाइट गई हुई थी. तो बहुत ही कोई वो सेम देखो ना. अब वो सोच रहा है यार काश वो जिन मैं होता. वो नहीं यार इसकी बहन सना माना होती. सना इसमें बहुत सारे काश है यार. नहीं अब तुम इतने होल स्टोरी सुन रहे हो उनकी. नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग है ना. कितना बेवकूफ जिन ने सोनिया हुसैन के पैर पकड़े. सोनिया हुसैन ने कहा छोड़ो छोड़ो. अच्छा वो शायद माफी मांगने आया हो. अच्छा वो हो सकता है पैर पकड़ा मांगने आया हो. अच्छा ये भी हो सकता है कि वो ARY का डायरेक्टर भी हो. माफी दे दे. या शायद वो भी हो सकती है तेज बटन वाली. यार पेमेंट नहीं पेमेंट मिल जाएगी मुझे माफ कर दो. लाहौर की वाली हवेली तो नहीं जो बड़ी मशहूर है. वही वाली नहीं मैं नाम नहीं ले सकती. लेकिन वही है ना. तो बस समझ आ गई सबको. नहीं नहीं कोई वो नहीं है मतलब है एक जगह. चेक करो पावे खुद ना उठ पाए. मुझे ना पैल्पिटेशन भी लगी है बात करते करते. आपके साथ हुआ है कोई जिन का. यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ पिछले 40 साल से. तो मैं कोई चिमड़ी नहीं हूँ. नहीं भाई तू रहने दे तेरे से नहीं चिमड़ना.